सिरोंज पत्रकार महासंघ ने 19 सितंबर को सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। 17 सितंबर को राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में पत्रकार सलमान अली की अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना से पत्रकार जगत में रोष है। जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों के साथ मध्य प्रदेश में कई जानलेवा हमला हो चुके हैं। कई पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। ज्ञापन में तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग भी शासन के समक्ष रखी है। सिरोंज के पत्रकार महासंघ अध्यक्ष शर्मा ने प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले की घटनाएं हो रही है, तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सिरोंज के पत्रकार शामिल हुए। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। शाम को तहसील में हमारे पत्रकार साथी की गत 17 तारीख को हत्या हो गई है, पर वो अभी तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हम आज ये मांग करने आए हैं कि हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार की ओर से दिलाया जाए। सारंगपुर में जो पत्रकार साथी की हत्या हो गई है, शासन सत्ता और गुंडों से मिलकर मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सिरोंज की मीडिया और प्रदेश की मीडिया को गुंडे और शासन दबा नहीं पाएगा। शासन से मांगे कि तुरंत पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।